एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल सेल्सेट पेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ रिश्तों को आप कैसे संभाल सकते हैं। तो इन्हीं पे आज का वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, शादी पक्की हो गई है या न्यूली मैरिड हैं, कुछ साल हुए हैं अभी, वो नई नई हैं, ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि आप किस तरह से ये जाने कि सामने वाला लड़का या लड़की आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, उसके किन हाव भावों से हम ये जान सकते हैं कि वो हम में इंटरेस्टेड है, वो हमारे लिए सीरियस है कि नहीं। इस पर भी वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि कैसी कैसी चीज़ें आप देख सकते हैं उस लड़के में या लड़की में कि वो आपके लिए सीरियस है या कुछ सोचते हैं पॉजिटिवली आपके लिए या नहीं। तो आज का वीडियो ससुराल में गई हुई या जाने वाली लड़कियों के लिए है कि आप कैसे अपना एक मेंटल बैलेंस बना के ससुराल में जाएं और सारी चीज़ों को बैलेंस बना के रखें और किस तरह से सबकी प्यारी और फेवरेट बन जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका रोका हो गया है और आपकी शादी अभी होने वाली है, डेट फिक्स हो गई है, अभी पता नहीं है कि कब होगी और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ऑब्वियसली शादी तो होनी ही है कुछ टाइम के पहले कुछ टाइम के बाद। तो जिसकी भी शादी होने वाली है या शादी हो भी गई है वो भी देख सकते हैं ये वीडियो, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हस्बैंड और इन लॉज, जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर हैं, जो भी हैं, सब के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। शादी के बाद तो आपको अपने आप धीरे धीरे पता चलेगा, बट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ्स क्या है, उनकी एनिवर्सरी क्या कौन सी डेट को आती है, या परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ आप क्या पसंद है क्या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे खुश होते हैं ना तो पेरेंट्स अपने आप खुश हो जाते हैं। घर में आए हुए कोई भी अगर मेम्बर है, फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव्स हैं, कोई भी आता है आपके ससुराल में पहली बार विजिट करने, तो आप पहले उनके बारे में ना थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, पूछिए कि उनको क्या खाने में पसंद है, उनको क्या चीज़ पसंद है, उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो उससे आपको क्या होगा, आपको थोड़ा सा सामने वाले बंदे के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा कि उनको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो हम गलती करने से बच जाएंगे यहाँ पर और हम कुछ मतलब उन पर अच्छा पॉजिटिव एक होता है ना साइन छोड़ेंगे कि हाँ आप यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपके आने से और हमें बहुत अच्छा लगा। तो रिलेटिव्स का भी यही एक फंडा होता है कि आप उनके भी बारे में कुछ जानिए पहचानिए और साथ में जो आपके मेन फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे इन लॉज हो गए हैं या आपके हस्बैंड हैं और उनके सिबलिंग्स हैं, तो उन सबके बारे में आप थोड़ा सा मतलब अब वो देखिए कि उनका क्या क्या लाइक्स है क्या क्या डिसलाइक्स है। आफ्टर व्हाट सेकंड पॉइंट है कि आप अपने इन लॉज की हमेशा से रिस्पेक्ट करें, हमेशा किसी भी बात में डिसरिस्पेक्ट ना करें, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनके बारे में सोचें पहले, हमेशा इस बात पे फोकस करें कि क्या उनको पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है, तो हम वो काम करने से बचें। तो हमेशा उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को तो देखना ही है, साथ में उनको रिस्पेक्ट भी पूरी देनी है। क्योंकि जैसे हम दूसरे के बारे में जो दूसरे को देते हैं रिस्पेक्ट, उतनी ही रिस्पेक्ट हमें भी मिलती है बदले में हमारे छोटों से या हमारे बड़ों से। तो आप इजीली आराम से किसी को भी इम्प्रेस कर पाएंगे और अपनी बात अगर आप कहना चाहते हैं, कोई भी बात है, तो उसको बहुत ही पोलाइट वे में कहिए और बट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। कभी भी तू तड़ाक या फिर थोड़ी सी लाउडर वॉइस नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्यार से बात कीजिए और हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए घर में आए हुए का भी और अपने इन लॉज का भी। तो इससे पति के दिल में एक स्पेशल जगह बन जाती है और बहुत मतलब अच्छा भी लगता है, घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पीसफुल होता है। ये है फ्रेंड्स कि आप कहीं भी नई जगह पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि उनका क्या उनके घर में रिचुअल्स हैं। यहाँ मैं बात करूँगी, सिर्फ इसकी बात नहीं करूँगी कि सेम कास्ट में शादी हो रही है, ऐसा नहीं है। इंटरकास्ट भी आजकल मैरिजेस होती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत सक्सेसफुल भी होती हैं, सेम कास्ट से ज़्यादा सक्सेसफुल इंटरकास्ट भी होती हैं।
हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की सिचुएशंस होती हैं। तो अगर आप उनके किसी इंटरकास्ट में जा रहे हैं या फिर आपकी सेम कास्ट में भी हो रही है तो भी उनके ट्रेडिशंस अलग होते हैं, तो भी उनका जो त्यौहार मनाने का तरीका होता है, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने का तरीका होता है, या फिर उनके जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, जो आपकी सास फॉलो करती है, वो आप सब अच्छे से उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उन पे क्वेश्चनिंग मत कीजिए। जो वो कर रही हैं तो वही ट्रेडिशन आपको बहू होने के नाते आपको भी निभाने हैं, तो आप भी वही वाले ट्रेडिशंस अपनाइए और उनको अच्छी तरह से अपना मतलब पूरा एफर्ट लगाकर उनको निभाइए। त्यौहार हर फेस्टिवल हर किसी के घर में अलग तरीके से मनता है, तो वैसे आप पूछिए, पता कीजिए कि कैसे आपके घर में सेलिब्रेट होता है, आगे से आगे उसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए, मेहनत से भी, सामान लाने में भी और सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब एक घर का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, आपके लिए दूसरों के मन में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरी बात काम का बर्डन एक के ऊपर ना पड़कर डिवाइड हो जाएगा, सबके ऊपर पड़ेगा और सभी आराम से उसको कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा काम तो सबको मिल गया तो सभी कर सकते हैं, अदरवाइज एक ही अगर इंसान पे पड़ा रहे तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए तो सबके ऊपर डिवाइड हो जाएगा बर्डन। और फेस्टिवल्स में अपना पार्ट करने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये वाला पार्ट कर देती हूँ या ये वाला चीज़ मैं ला देती हूँ, तो इसमें क्या होता है थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी सा एक माहौल बनता है, क्योंकि त्यौहार तो सबके लिए ही, आपके लिए भी दिवाली है, घर वालों के लिए भी है, तो सबके लिए है, तो सब कुछ ना कुछ अच्छा सा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स के जो भी आपके घर में विजिट कर रहे हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं या कोई भी हैं, उनकी अच्छे से आप केयर कीजिए। केयर करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप ओवर हो रहे हैं, अपने लिमिट में केयर करने का मतलब है उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई आपके घर में आ रहा है, विजिट कर रहा है, उनके खान पसंद का खाना बना सकते हैं हम, उनके यूज़ होने वाली चीज़ें हम उनको हैंडी वे में दे सकते हैं, बड़े आराम से उनको दे सकते हैं ताकि वो यूज़ कर सकें। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर एक सामने वाले की भी बहुत पॉजिटिव अपनी एक बहुत पॉजिटिव इमेज सामने वाले के ऊपर रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप सपोज़ कीजिए आपके घर में कोई आया है अच्छा सा रिलेटिव, मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव आया है आपके इन लॉज का, और आपने उनकी बहुत अच्छे से मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है, उनकी पसंद का ख्याल रख के खाना बनाया है, इन्वायरमेंट घर में उनकी पसंद का रखा है, तो आप खुद सोच सकते हैं वो जाते हुए क्या बोलेंगे, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। तो जो मतलब आपकी किसी गलती के कारण आपके इन-लॉज नाराज़ भी होंगे ना, तो वो भी सब मेकअप हो जाएगा और बहुत ही अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा घर में। तो ये तो एक ट्रिप आप आराम से अपना ही सकते हैं, चाहे आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा माहौल बनेगा घर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और ये मेरा भुक्त भोगी जैसे होता है ना कि मैंने अपने ऊपर फील किया हुआ है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा मतलब अच्छे दिखने के लिए या सबको इम्प्रेस करने के लिए सारे कामों के लिए हाँ 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 मत कीजिए। अब आप कहोगे कि अभी तक तो मैं जो जो बातें करती आ रही हूँ वो मतलब हमने वर्क स्मार्टली करना है, हमने इतना ज़्यादा नहीं करना कि हम अपनी आइडेंटिटी खो दें। तो हमेशा ऐसा ना कीजिए कि हर किसी के हर काम को हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूँगी, आप छोड़ो मैं कर दूँगी। इसमें क्या होगा, सिर्फ आप एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, और आप मतलब जिसके लिए कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मतलब अगर वो नहीं कर सकते हैं तब तो आप करिए, ठीक है आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम कीजिए, ओवर ना लीजिए, इससे क्या होगा आपकी तबीयत ख़राब होगी और फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, दूसरे की हेल्प करते करते आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसीलिए थोड़ा सा लिमिट में काम कीजिए अपना कैपेसिटी के हिसाब से। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है या फिर हो भी गई है तो भी दूसरों के मन में अपने लिए इज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी बात की इज्जत बढ़ाने के लिए आपको मतलब आपको भी वो वैल्यू मिले, आपकी बातों को भी सुना जाए, आपको भी वैल्यू मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने घर में तो जैसे मर्जी चाहे मुंह फाड़ लेते हैं, बोल देते हैं कुछ भी किसी के भी सामने, बट
जब आपकी ससुराल की बात आती है तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए और बहुत सोच समझ के ये देखना चाहिए कि कोई आपसे अगर आपकी सलाह मांग रहा है तभी आप उसको ऑफर कीजिए अपनी सलाह तभी दीजिए। बीच बीच में बोलना बहुत ही ज़्यादा एक तो बिल्कुल भी मैनरलेस लगता है और ऐसा लगता है जैसे मतलब इसको बस बोलने का मौका चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात की वैल्यू ख़त्म होती जाएगी इस तरह से धीरे धीरे करके। तो आप अपनी बात की वैल्यू को दिखाने के लिए, अपनी बात की वैल्यू को जताने के लिए जब आपसे मांगी जाए सिर्फ तभी सलाह दीजिए, उससे पहले आप ना बोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इन लॉज पे। और आपकी वैल्यूएबल सलाह, कई बार होता है ना कि हम बोलते रहते हैं फालतू में, तो हमारे ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता, हमारी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता, हालांकि हमने बहुत अच्छी बात की हो, चाहे बहुत काम की बात की हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हो, तभी भी नहीं हमारी बात की कोई वैल्यू मानी जाती। तो उस बात को, उस सिचुएशन को ना आने दें और पहले ही कम से कम बोलें और अपनी बात की वैल्यू करने के लिए, ताकि सभी लोग आपकी बात की वैल्यू करें। आप खुद जब आपसे मांगा जाए कोई भी सुझाव तब दीजिए, तभी सजेशंस दीजिए, तभी सॉल्यूशंस दीजिए, अदरवाइज चुप रहिए और सबका सुनिए। लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अगर आपकी शादी होने वाली है या हो गई है तो एक हमारे मन में पहले से ही मतलब एक चीज़ डाल दी जाती है कि सास होगी, ससुर होंगे, सास होगी, बहुत मतलब सास को हमने ऐसे बना रखा है कि एक भूतनी है वो हमारे पीछे डंडा लेके घूमेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इनको बदल दीजिए, इनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो भी किसी की मम्मी होती हैं, वो भी किसी की मतलब वो भी चाहती हैं कि उनके घर में अगर आ रही हैं तो बेटी बन के रहे, उनको सपोर्ट करे, उनका साथ दे, उनका हाथ बटाए काम में भी और हर चीज़ में हाथ बटाए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ससुराल है, आपकी लाइफ तो चेंज होती ही है ऑब्वियसली, बट उसको पॉजिटिव वे में चेंज करना है या अपने नेगेटिव वे में चेंज करना है, ये हमारे दिमाग में होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो कुछ भी बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम ससुराल में जा रहे हैं तो सब जालिम होंगे वहाँ पर, या फिर सब बिल्कुल अजीब होंगे, हमें कुछ नहीं करने देंगे अब हमारी पसंद का। तो थोड़ा सा आप उनकी तरफ से बदलिए, थोड़ा सा वो बदलेंगे तो क्या होता है दोनों की गाड़ी बहुत आराम से चल जाएगी। टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपने इन-लॉज के दिलों में अपने लिए कुछ खास जगह बना सकते हैं, कुछ अच्छा इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं घर में, क्योंकि जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं हंसते खेलते कूदते, कोई हमें कुछ नहीं कहता, बट ऐसा नहीं होता ससुराल में। ससुराल में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, थोड़ा सा होता है कि आप इस तरह से ना करके इस तरह से कीजिए, तो थोड़ा चेंजेस सब में लेके आने पड़ते हैं अपने आप में, बट वो हेल्दी चेंजेस होते हैं। वो एक होता है, एक स्टेज होती है हमारी लाइफ की जिसको हर किसी को जिसपे से गुजरना ही पड़ता है, और अच्छी तरह से गुजरेंगे तो अच्छी लाइफ हो जाएगी, और अगर बुरी तरह से गुजरेंगे तो ऑब्वियसली हेल बन जाएगी हमारी लाइफ, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे कुछ टिप्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ।